हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। नेट टॉपिक, कमजोर छात्र बनेंगे टॉपर। बहुत से पेरेंट्स की ये समस्या रहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो कमजोर हैं पढ़ाई में और आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है। साथ में ये देखने को मिलता है कि वे जो हैं पढ़ाई में से उनकी अरुचि हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स आकर के इन बातों को रखते हैं कि हमारे बच्चे में एकाग्रता नाम की चीज नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो समाज से अलग हट करके अपना एक अलग दायरा है खेल कूद का और विभिन्न गतिविधियों का, उनमें वो इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसे छात्र को कैसे हम मोटिवेट करें, कैसे हम आगे बढ़ाएं और किस तरीके से वो हम पढ़ करके एक नई दिशा को लेकर के वो प्रगति के पथ पर अग्रसित होता चला जाए, इसका एक प्रयत्न इस चैनल के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और आज ज्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वीडियो को पुनः प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है, माता पिता अपने बच्चे को पहचाने। यदि उनको लगता है कि मेरा बच्चा कमजोर है और वह एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए दो चार बातों को आत्मसात करेंगे और निश्चित तौर पे वो उनके बच्चे में परिवर्तन ला करके खड़ा करेगा। सबसे पहली बात है कि बच्चे को आप माइन्यूटली वॉच करें कि बच्चा वह किन चीज़ों में वह इंटरेस्ट रख रहा है, वो क्या करना चाह रहा है और किस तरीके से वह अपनी दिनचर्या का पालन कर रहा है। देखने को प्राप्त होगा बच्चा चंचल है, इधर उधर की गतिविधियों में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो बैठेगा कुछ दूसरी बात सोचेगा, कुछ इधर की बात सोचेगा, कुछ उधर की बात सोचेगा और समय को जाहिर करता चला जाएगा। तो माता पिता को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उनका बच्चा सही ढंग से बैठना प्रारंभ कर दे। सबसे बड़ी चीज क्या है पढ़ाई में, कि हमें एकाग्र होकर के बैठना पड़ेगा और इस बैठने की प्रयोग को माताएं बहुत ही ध्यान से समझें इस चीज को, और पेरेंट्स समझें कि बच्चे को बैठा करके उनको कुछ न कुछ वर्क दीजिए और बच्चा कंटिन्यूअस कम से कम एक घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट वो लगातार बैठे। जैसे जैसे वो निरंतर बैठता जाएगा उसमें क्या है, एकाग्रता आती चली जाएगी। साथ में क्या है कि वह जब भी इस प्रयोग को यदि फॉलो करेंगे, पेरेंट्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाकर के ये समस्या का निदान हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि उसकी एकाग्रता। एकाग्रता करने के लिए यह देखा गया है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ओम ध्वनि का उच्चारण और साथ में अनुलोम विलोम जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, और साथ में ब्रेन को इस तरीके से एक्टिव करेगा कि एकाग्रता बढ़ती चली जाए। एकाग्रता क्या है, वह सांसों का नियंत्रण। एकाग्रता क्या है, हमारे मन को एक तरीके से बांध कर रखने की चीज है कि मन इधर उधर न भटके। छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर कि एक कमजोर छात्र की कहानी है जो कि दुनिया में विश्वविख्यात हुई और जिससे कि हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ, एक कमजोर छात्र भी किस तरीके से वह बहुत बड़ा आवाम पे आकर के खड़ा हो जाता है, इस चीज को समझेंगे। जो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन थे, वो जब छोटे से थे तो जिस स्कूल में वो पढ़ने गए वहां पर उनकी गतिविधियां इस तरीके से थी कि वो वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के जो भी लोग थे वो बहुत उनकी गतिविधियों से परेशान थे। अंत में ये हुआ कि उनकी मम्मी को एक पत्र लिख करके ये सूचित किया गया कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं है। वो बच्चे के डायरी में ये पत्र रख करके भेज दिया गया और उस बच्चे ने जाकर के अपनी माता को दिया कि यह मम्मी, ये पत्र मिला है स्कूल से, इसको आप पढ़ लीजिए। मम्मी ने उसकी पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने देखा, मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद जब हुआ तो एडिशन ने पूछा कि मम्मी इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने यह बात बोली कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा जीनियस है, बहुत उच्च उच्च कोटि का उसकी बौद्धिक क्षमता है, हमारा स्कूल इस बच्चे को पढ़ाने में असक्षम है, कृपया इसे दूसरे स्कूल में पढ़ाएं या स्वयं पढ़ाएं। एडिशन की माता जी ने उसी दिन संकल्प लिया और उसको पढ़ाना पड़ा।
जब पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, धीरे धीरे उसको पढ़ाते गई पढ़ाते गई समझाते गई और उनके संग लग करके उनको एक स्थान एक आवाम पर पहुंचा दिया। और याद रहे कि एडिशन जब बड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहली खोज जो है वो बल्ब की थी, लाइट की थी। आज पूरा विश्व जो जगमग जगमग हो रहा है वो केवल एडिशन के कारण थी। एडिशन ने जो है बल्ब की खोज की थी, प्रकाश जो है वो उसके द्वारा प्राप्त हुआ और जिससे कि पूरा विश्व जो है जगमगाता रहता है। और उसके बाद एडिशन ने कम से कम सैकड़ों आविष्कार किए इस जीनियस व्यक्ति ने। और जब एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने मकान की सफाई कर रहे थे तो वह बैग मिल गया, स्कूल बैग जो छोटा सा जो उनके बचपन का था, उसमें वो पत्र भी लिखा हुआ मिल गया। उस पे यह लिखा हुआ था कि आपका बच्चा महामूर्ख है और इसको पढ़ने लिखने की कोई काबिलियत नहीं है, कृपया इसको घर बैठा लें। लेकिन माता का जब दृढ़ संकल्प था, माता ने यह मन में ठान लिया था कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है और उसे आगे बढ़ाना है, तो वो क्या हुआ, डेवलप हुआ। और आज जब तक यह विश्व रहेगा, जब तक यह धरा रहेगी, तब तक थॉमस अल्वा एडिशन को कोई नहीं भूल सकता, उसके योगदान को कोई नहीं भूल सकता। तो यह विचार करना पड़ेगा हमारे हर पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे में अद्वितीय क्षमता है, उस क्षमता को परखना और परखने के बाद क्या है उसको डेवलप करना। यह पेरेंट्स के हाथ में होता है, टीचर्स के हाथ में होता है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के लोगों के हाथ में होता है। तो इस चीज़ को समझ करके हम पूर्ण रूप से यह सोचें कि पहले तो क्या है बच्चे को बैठने की आदत, दूसरे क्या है उसको ओम ध्वनि का उच्चारण, अनुलोम विलोम कराने का प्रयोग, और साथ में क्या है सबसे बड़ी बात क्या है उसको पेन होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब या पेंसिल होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको होनी चाहिए कि वह अक्षरों का निर्माण अच्छा कर सके। जो गुड हैंड राइटिंग जो होती है वो बच्चों को बहुत आकर्षित करती है, और यदि बच्चे का गुड हैंड राइटिंग होना शुरू हो जाता है तो बच्चा एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद के बिंदु है कि उस बच्चे को निरंतर एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना। दिनचर्या का पालन होगी तो निश्चित है कि बच्चा समय से बैठेगा, समय से पढ़ेगा और समय से अपने बैग को सुटेबल स्थान पर रखेगा। साथ में क्या है, जब भी आप देखें माइन्यूटली वॉच करें कि आपका बच्चा जब पढ़ रहा है तो क्या है उसमें चंचलता दिखाई दे रही है, तो उस बच्चे को आदेशित करें कि वह बोल बोल करके पढ़े। जब वो बोल बोल के पढ़ेगा तो एक तो है बोल के पढ़ेगा, उस बोलने के कारण क्या है कान जो है सुनेंगे, ब्रेन जो है उसको आत्मसात करेंगे, तो तीन तीन चार चार इंद्रियां जो एक साथ लगती है तो वो चीजें जो है ज्यादा समझ में आने लगती है और बच्चा इधर उधर भटकता नहीं। तो जो कमजोर छात्र है यदि कहीं उनके मन में भटकाव है, किताब खोले और किताब खोलने के बाद देख रहे हैं कि उनका मन कहीं और जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, गेम्स में जा रहा है, टीवी पे जा रहा है, सोशल साइट्स पे जा रहा है, तो उस चीज को नियंत्रित करने के लिए क्या वो बोल बोल करके पढ़ना प्रारंभ करें, तो क्या होगा उन्हें चीज जो है ज्यादा समझ में आएगी और वो ज्यादा समय तक उसको आत्मसात कर सकते हैं, अपने मन में एकाग्र करके उसको रख सकते हैं। इसके बाद एक विषय और है छोटी सा कि जितना भी हो सके वह पेरेंट्स को अप्रिसिएशन करना है। यदि वह कमजोर बच्चा थोड़ा सा भी आपको लगा कि इसने अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको प्रशंसा कीजिए, वह आगे डेवलप करेगा और बढ़ेगा। जब कभी किसी बच्चे को यदि हम बार बार इस बात को कहें कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बेकार हो, तो उसके मन टूटता है। और जब उसी की जगह बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम आगे बढ़ोगे, तुम और अच्छा करोगे, उसके मन में उत्साह आता है और धीरे धीरे वो क्या है डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है। तो थोड़ा इन सब बातों का चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आजकल एक चीज देखी गई है कि जब बच्चा पढ़ता है उसको यदि मान लो कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आजकल विभिन्न प्रकार के ऐप जो है वो बहुत ही सार्थक उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। यदि हम गूगल ट्रांसलेटर को लेकर के चलें, मान लीजिए कोई इंग्लिश में कोई एक ऐसा बायोलॉजी का पोर्शन आ गया, या कॉमर्स का कोई पोर्शन है, अकाउंट्स का है, बिजनेस स्टडीज का है, या छोटी सी कोई इंग्लिश की बुक है उसका है, यदि उसको लगता है कि यहां ये पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इसमें टिपिकल वर्ड्स आ गए हैं, तो वो गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से उस पेज का फोटो खींच करके उसको ट्रांसलेट में डाल देगा और वो हिंदी भाषा में होकर के उसे वो चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, जब जो भी कमजोर छात्र है इस बात को ध्यान रखें कि जब टीचर पढ़ाए उससे पढ़ने उसके पहले वो पाठ को जरूर पढ़े और उसको अंडरलाइन करे, अंडरलाइन करके जो कीवर्ड्स है उसको जरूर अपनी कॉपी में नोट करके रखे, तो क्या होगा इस चीज से उसका कलेक्शन होगा और उसको सभी
वर्ड से वो धीरे धीरे परिचित होता चला जाएगा। जब यह सारे प्रयोग की होने लगेंगे तो निश्चित है कि क्या है, जो कमजोर छात्र है उसका पढ़ने में मन लगने लगेगा, उसको सार्थकता दिखाएगी, माता पिता भी जो होंगे वो खुश होंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसका मन लगेगा, क्योंकि बालक मन बहुत ही कोमल मन होता है। जब यदि उसको प्रशंसा मिलेगी वह आत्मसात करेगा और वह निश्चित तौर पर क्या है, वह डेवलप होगा। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, थोड़ी सी एक प्रक्रिया है जिसको हम समझेंगे और विचार करेंगे। बच्चा जब पढ़ता है किसी चीज को तो वह अपने हेड का इस्तेमाल करता है, और जब उसको बहुत अच्छा लगता है तो वह दिल का इस्तेमाल करता है, मतलब वह आत्मसात आत्मचिंतन करना शुरू करता है। बच्चे को बस यहीं पर की फैक्टर है कि जो याद करे उसको वह लिख करके देखे, और जब लिख करके देखेगा तो निश्चित है कि बच्चा रीराइट करेगा और उसका रिवीजन होगा, और जब रिवीजन होगा तो उसको चीजें याद होती चली जाएगी। जब किसी चीज को बार बार यदि लिख करके देखा जाएगा और इसको याद किया जाएगा तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी और अच्छी मिलेगी। ध्यान रखिए, जो बच्चा कमजोर है उसके नींद पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वह 7 से 8 घंटा वो सो रहा है कि नहीं सो रहा। यदि बच्चा चंचल प्रवृत्ति का है तो उसको जितना मैक्सिमम वो खेल करके थक जाए उसके बाद वो जा करके वो पढ़ाई करेगा तो शायद हो सकता है कि उसकी जो एनर्जी लेवल है वो आ करके जो बहुत हाई थी वो लेवल पे आ जाएगी, तो उसका मन एकाग्र होगा। यह बात सोचने की है, विचारने की। हमारी सारा चीज जो है वह एनर्जी लेवल का है और खान पान का है। बच्चे को हमेशा एक निर्धारित डाइट पर जाकर जब खिलाते हैं और पौष्टिक आहार खिलाते हैं, पर्याप्त मात्रा में उसको दूध प्रोटीन इत्यादि मिलता है, तो वह क्या है, उसका मन एकाग्रता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा भरपेट खाने से भी आलस प्रमाद उत्पन्न होता है, तो माता पिता पेरेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि यदि उनका कमजोर बच्चा है तो उसको पहचाने, उसको सिटिंग दें, सिटिंग देने के बाद अच्छी दिनचर्या दें, दिनचर्या देने के बाद उसको ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम जरूर करवाएं जिससे कि मस्तिष्क जो है वह एक्टिवेट हो और वह उसकी एकाग्रता बढ़े। एकाग्रता बढ़ने के बाद उसके खान पान का ध्यान रखें और साथ साथ जब वह पढ़ाई करे और मन उसका विचलित हो तो उसको निश्चित तौर पर यह सोचे कि वह बच्चा बोल बोल करके याद करे, बोल बोल करके पढ़े, जिससे कि क्या है वो उसको ज्यादा लर्न होगा और वह आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को यदि हम फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि यह 21 मिनट का जो प्रयोग है विभिन्न प्रकार से, और वह 21 दिन लगातार करने के बाद निश्चित है कि क्या है, वह आदत में आ जाता है और वह कमजोर छात्र जो है वह अपने आप डेवलप होना प्रारंभ कर जाता है। जब इसमें थोड़े समय तक माता पिता को सक्रिय होना पड़ेगा तब जाकर के बच्चा जो है वह एक्टिवेट होगा और वह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और उसका निश्चित है कि परसेंटेज भी बहुत अच्छा होगा और उसको उन्नति मिलेगी, वह प्रोग्रेस करेगा। थोड़ा सा इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि हमारे जो कमजोर छात्र है वो एक दिन टॉपर बनेंगे और बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। तो ध्यान रखें, यह फॉर्मूला 21 मिनट 21 दिन, मतलब 21 मिनट तक यदि हम इन सब चीजों के छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, माता और पिता दोनों मिलकर के उस बच्चे को देखेंगे तो निश्चित है कि क्या 21 दिन में आदत बन जाती है। साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, गीता के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि यदि 21 दिन किसी चीज का अनुष्ठान किया जाए और उसको यदि प्रयोग किया जाए तो वह आदत में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई है तो निश्चित है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि यह बात अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और जितने भी कमजोर छात्र हैं वो इन सब टिप्स को फॉलो करके अपने प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ें, अपनी परसेंटाइल को आगे बढ़ाएं और वो कक्षा में तेज हों, माता पिता के सपनों को साकार करें। और हर माँ बाप का यह इच्छा होती है कि उनका बेटा बहुत अच्छा डेवलप करे, तो निश्चित है कि इन टिप्स के माध्यम से जरूर 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 बच्चा आगे बढ़ेगा। यह साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है कि जब यदि हम योगा करेंगे ब्रेन हमारा एक्टिवेट होगा, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ही जो है वो एक्टिवेट होते हैं। राइट ब्रेन जब एक्टिवेट होगा तो निश्चित है कि बच्चे में एकाग्रता आएगी और वह डेवलप होगा। तो पुनः एक बार थैंक यू आपको इस
पूरी वीडियो देखने के लिए और कोशिश करेंगे कि इसको नियम को फॉलो करें और जीवन को अच्छा बनाएं। थैंक यू।